तो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे अभी काफ़ी सारी सेल्स लाइव हैं। अगर आप एक नया फोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है एक नया स्मार्टफोन लेने का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पे अभी आपको कौन कौन सी सेल देखने को मिल रही है, नेक्स्ट सेल कौन सी है, इस सेल में क्या कुछ खास ऑफर्स हैं, कौन कौन से स्मार्टफोन आपको सस्ते मिल रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में तो फ्लिपकार्ट पे भी करेंटली एक सेल चली है जिसका नाम फ्लिपकार्ट बिग बजट डेज है, और ये सेल 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक रहने वाली है। 7 से ये जो सेल है वो लाइव हुई थी और कल तक ये जो सेल है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको स्मार्टफोन्स पे काफी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियलमी के स्मार्टफोन्स को लेना चाहते हैं, जैसे लाइक रियलमी 13 Pro Plus हो गया, साथ ही साथ सैमसंग के कुछ फोन हो गए, सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के फोन हो गए, S23 स्मार्टफोन हो गया, या फिर अगर आप एक आईफोन लेने के लिए प्लान करें, हालांकि आईफोन्स पे उतना ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं है लेकिन आईफोन्स पे भी ठीक ठाक प्राइस कट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ में वीवो T3 Ultra 5G जो है वो आपको सस्ते मिल रहा है, 28,999 की प्राइस पर है। गूगल पिक्सल 8 जो स्मार्टफोन है वो 47,000 की प्राइस पर है। मोटो एज 50 जो स्मार्टफोन है 26,000 की प्राइस पर है। नथिंग फोन 2A जो है वो 22,000 की प्राइस पर है। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 32,999 की प्राइस पर है। मोटो एच 50 प्रो जो स्मार्टफोन है वो 22,999 की प्राइस पर है। साथ साथ मोटो एच 50 नियो जो स्मार्टफोन है 20,999 की प्राइस पर है। आपको CMF फोन 1 जो है वो यहाँ पर 13,000 की प्राइस पर मिल रहा है। नथिंग फोन 2 जो है वो 22,000 की प्राइस पर मिल रहा है। नथिंग फोन 2A जो है वो आपको 21,999 की प्राइस पर मिल रहा है। तो ये कुछ डील्स हैं। इसके साथ में रियलमी की खुद की सेल एक चल रही है फ्लिपकार्ट पे जिसका नाम रियलमी सेविंग डेज है, और ये सेल जो है वो यहाँ पर 10 तारीख से लाइव हुई है, 14 तारीख तक ये सेल चलने वाली है। इसमें आपको रियलमी के स्मार्टफोन्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कुछ ऑफर्स के बारे में, रियलमी का 13 प्रो प्लस 5G जो स्मार्टफोन है इसका 8GB 128GB स्टोरेज वेरियंट आपको 27,999 की प्राइस पर मिल रहा है। रियलमी का P2 प्रो 5G स्मार्टफोन 21,999 की प्राइस पर है। रियलमी P1 स्पीड 5G जो स्मार्टफोन है 16,000 की प्राइस पर है। तो ये कुछ स्मार्टफोन है। रियलमी का 12 प्रो 5G जो स्मार्टफोन है वो 24,999 की प्राइस पर है। रियलमी का 13 प्रो 5G जो स्मार्टफोन है 25,000 की प्राइस पर है। रियलमी P1 प्रो 5G जो स्मार्टफोन है 17,000 की प्राइस पर है। रियलमी 12 प्रो 5G जो स्मार्टफोन है 22,000 की प्राइस पर है। रियलमी 12X 5G जो स्मार्टफोन है 12,500 की प्राइस पर है। रियलमी P1 5G जो स्मार्टफोन है वो 14,000 की प्राइस पर है। तो आप देख सकते होंगे स्मार्टफोन्स काफ़ी सारे हैं। अब अगर आपको एक नया स्मार्टफोन लेना है तो आप जाकर के ले सकते हैं। डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। कुछ स्मार्टफोन पे डायरेक्ट प्राइस कट भी है, कुछ स्मार्टफोन पे कार्ड पे ऑफर हैं, और अगर आप एक्सचेंज करते हैं एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए अपने पुराने स्मार्टफोन को, तो डेफिनेटली आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। इनफैक्ट रियलमी के डिवाइसेस पे काफ़ी अच्छा प्राइस कट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में। हालांकि नेक्स्ट सेल और भी आने वाली हैं नवंबर एंड तक, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे सेल वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगी, और उसके बाद में ईयर एंड सेल वगैरह हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिलने वाली हैं। तो ये कुछ सेल है। बाकी कुछ जो बेस्ट डील्स हैं उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको भी जाकर के चेक करना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर ले।